होली हो और कांजी वड़ा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस मौसम में कांजी पीने का अपना ही एक अलग मजा होता है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। होली के रंगों की तरह ही मैंने कांजी के पानी को भी आज 6 फ्लेवर कलर्स देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन आल्सो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये कांजी के 6 फ्लेवर्स। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी लिया है और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है ताकि जो हमारा कांजी का पानी है वो लंबे समय तक चल सके। देखिए इसमें बॉईल आ चुका है, अब गैस ऑफ कर दिया मैंने और इसको ठंडा कर लिया। यहाँ पर मैं बारीक दानों वाली राई होती है वो मैंने 2 टेबल स्पून पीस कर ले ली है। आप इसकी जगह ब्लैक कलर की जो सरसों आती है उसको भी पीस कर ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून ले। और इसमें मैं अब काला नमक मिला रही हूँ, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं पिंक कलर का सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी सॉल्ट यूज़ करते हैं वो ले। अब मैं 1/2 टी स्पून यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले रही हूँ और 1/2 टी स्पून मैंने यहाँ पर नॉर्मल रेड चिली पाउडर लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम मिर्च खाना पसंद है तो आप कम डालिए और ये थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पर हींग ले रही हूँ, ये बांधनी हींग है पतंजलि का, इसको मैंने थोड़ा सा ले लिया है और इसमें डाल दें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कांजी के पानी। होली के त्यौहार में हम बहुत ही डाइट खाते हैं और बहुत तीखा और मीठा भी खाते हैं, तो उन सबके डाइजेशन के लिए ये पानी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उन्हें वो सब खाने के बाद में अगर हम ये पानी पी लें तो ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं करती, और पीने में तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कोई भी कांच का कंटेनर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे पास प्लास्टिक का था इसको मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया था। अब इसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देंगे पूरा अपना पानी, इसमें देखिए ट्रांसफर करके इसको कवर करके हम 3 दिन, क्योंकि 3 दिन के बाद ही इसका एक्चुअल फ्लेवर जो बहुत टेस्टी लगता है वो आता है। और जो इसमें हमने राई मिलाई है उस वो इसमें खटास ले आएगी तो ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है। तो 3 दिन के लिए इसको हम कवर करके रखेंगे। देखिए कलर कितना सुंदर आया है, अभी मैंने इसको कुछ ऐसा कलर नहीं मिलाया है। अभी यहाँ पर मैंने ये एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है जो कि मैंने गीला करके इसके ऊपर कवर कर लिया ताकि ब्रीथ कर सके और अच्छे से ये हमारा पानी उठ गया है। इसको अच्छे से कवर कर देंगे और डेली हम इसको एक बार चलाएंगे जरूर। तो इसके फ्लेवर्स बता रही हूँ, इसमें सबसे पहले मैंने उसमें से ही पानी 1 गिलास ले लिया है, उसमें मैं बारीक कटी हुई कैरेट डाल रही हूँ। ये कैरेट डालकर हम 3 दिन के लिए रख देंगे, इसको भी हम ऐसे ही किसी जाले से कवर कर देंगे और 3 दिन के बाद में ये गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और इसके साथ में ये पानी इंजॉय करेंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। ये हमारा एक फ्लेवर रेडी हो चुका है, अब इसको साइड में रख देते हैं। अभी मैं आपको दूसरा फ्लेवर बता रही हूँ, देखिए कलर कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो किसी को सर्व करने से पहले ऐसे कैरेट लगा कर भी सर्व कर सकते हैं, देखने में अच्छा लगता है। अब इसको कवर करके हम साइड में रख देंगे, ये 3 दिन के बाद ही इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। अब हम कांजी का नेक्स्ट फ्लेवर बनाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको पानी बनाना बताया है कांजी का, वही 1 गिलास लिया है और उसमें मैं बीटरूट के छोटे पीस करके डाल रही हूँ। इसका कलर अपने आप में ही बहुत सुंदर आ जाता है, आपको सबको पता ही है बीटरूट अपना कलर छोड़ती है, वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा ये पानी और उसका फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा। इसको भी कवर करके हम 3 दिन के लिए रख देंगे और डेली इसको चलाएंगे। अब 3 दिन हो चुके हैं, मैं अपना जो बेसिक हमने बनाया था कांजी का पानी उसको हम निकाल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। अब इससे बाकी के फ्लेवर्स मैं आपको बनाने बताऊंगी, क्योंकि कैरेट और बीटरूट को सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए, और वो कलर भी छोड़ती है बीटरूट, तो इसलिए 3 दिन पहले उसे रखते हैं। अभी मैं आपको जो हमारा कांजी का पानी रेडी हो चुका है उसे मैंने ग्लास में कर लिया है और उसमें मैं वड़े डाल रही हूँ। ये मूंग की दाल के वड़े हैं, इन्हें बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं जल्द ही इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इसको अच्छे से इसे मिक्स कर दें और आधा घंटे के बाद आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आधा घंटे पहले आप इन वड़ों को भिगो दें इसके अंदर,
आप इसे ऊपर से ऐसे वड़े से डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर है, कांजी के वड़ों के नाम से ही ये फेमस है। अभी आपको नेक्स्ट फ्लेवर बता रही हूँ, इसके लिए मैंने सेम वही पानी ले लिया है और उसमें मैं थोड़ा मिंट लीव्स डाल रही हूँ। इसे हाथों से तोड़ कर डालें, काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तोड़ने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दें, बिल्कुल फ्रेश लीव्स लें कोशिश करें। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम लेमन जूस डालेंगे, यहाँ पर मैंने हाफ लेमन लिया है, इसका भी 1/4 ही मैं जूस ले रही हूँ, वो उसमें डाल देंगे। और इन दोनों का फ्लेवर कांजी के पानी के साथ में बहुत ही टेस्टी आएगा। आप कई तरह की वैरायटीज़ हैं इसकी, फ्लेवर्स की, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप कोई भी बनाकर देख सकते हैं, वो आपको सभी बहुत टेस्टी लगेंगे क्योंकि बेसिक फ्लेवर तो हमारा सेम ही है, बाकी इसमें हमने अलग अलग फ्लेवर्स देने की कोशिश की है। अब देखिए नेक्स्ट फ्लेवर आपको बता रही हूँ, सेम उसी पानी में मैंने यहाँ पर बूंदी ले ली है थोड़ी सी और वो डाल दिया है। ये भी थोड़ी देर पहले डालकर रखें, 5-10 मिनट पहले भी आप डालेंगे तो भी ये अच्छे से पानी पीने लायक हो जाता है। तो इसको भी ऐसे ही हम 10 मिनट पहले डालकर रख देंगे और थोड़ा बूंदी फूल जाएंगी तो ये पीने में अच्छा लगता है। अभी लास्ट फ्लेवर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें हम ग्रीन चटनी का यूज़ करेंगे। इस चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके आप इंस्टेंटली इसको रेडी कर सकते हैं और किसी को भी सर्व कर सकते हैं। आप बेसिक पानी पहले से बनाकर रेडी रखें और जिसको भी जिस फ्लेवर का पीना है उसी का आप इंस्टेंट बनाकर दे सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है उसमें आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए एक बार फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।